शनि और शुक्र बनाने जा रहे हैं नव पंचम राजयोग। कई राशियों का होगा भाग्योदय। 7 जून से बनेगा नव पंचम राजयोग। 4 राशियों को मिलेगी जबरदस्त सफलता। शनि को कहा जाता है न्याय का देवता, जबकि शुक्र ग्रह देते हैं प्रेम, विलासिता और सुख समृद्धि। ज्योतिष में शनि और शुक्र माने जाते हैं मित्र और इनकी जुगलबंदी देती है जबरदस्त लाभ। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की इस पोस्ट में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के लिए लेकर आया हूं। 7 जून 2023 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनने जा रहा है, जो कई राशियों की किस्मत पलट देगा। कई अटके हुए काम बनने लगेंगे, आपको लगेगा जैसे जीवन में कुछ चमत्कार सा हो रहा है, सोया हुआ भाग्य भी करवट लेने लगा है। और ये राजयोग बनाने जा रहे हैं शनि और शुक्र, ये दोनों ग्रह गहरे मित्र हैं। शनि देव न्याय के कारक हैं और शुक्र ग्रह प्रेम, विलासिता और सुख समृद्धि के कारक हैं। इन दोनों ग्रहों की जो जुगलबंदी है वो चंद्र 4 राशियों के लिए धन, वैभव, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जबरदस्त सफलता देने वाली है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब भी गोचर में कोई महत्वपूर्ण राजयोग बनता है तो उसका कई राशियों के लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं और समाज में खूब यश और मान बढ़ता है। कुंडली में शुभ ग्रह की स्थिति और युति और दृष्टि राजयोग का निर्माण करती है, उसके जीवन की कई परेशानियां दूर करती है और अंदर पॉजिटिविटी आती है, लाइफ में इंथ्यूजियाज्म जागता है। पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव सहित त्रिकोण भाव में संबंध जब ग्रहों का स्थापित होता है, शुभ ग्रहों का स्थापित होता है, तो राजयोग का निर्माण होता है। और वहीं इन भावों के स्वामी के भी आपस में जितने कॉर्डियल रिलेशन होंगे, जितने सुदृढ़ संबंध होंगे, राजयोग उतना ही बेहतरीन और उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 7 जून से शनि और शुक्र के प्रभाव से एक बार फिर से नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। शनि और शुक्र में मित्रता का भाव है और इन दोनों ग्रहों से जो नव पंचम राजयोग बनने जा रहा है उसका जबरदस्त लाभ 4 राशियों को मिलने वाला है। और ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा कि इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पहली भाग्यशाली राशि, ये जो शनि और शुक्र नव पंचम राजयोग बना रहे हैं, जो 7 जून से बनने जा रहा है, उसका फायदा जिन राशियों को मिलने वाला है उनमें पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि के लोगों के जीवन में नव पंचम राजयोग बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। शुक्र आपकी गोचर कुंडली के 3rd हाउस में और शनि 11th हाउस में विराजमान है, ऐसे में आपको प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है भाई बहन और पराक्रम स्थान होता है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से एक अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, निवेश कर रखा है, तो उसमें आपको अब लाभ होगा, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि हो जो है वो होना तय। और जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। नव पंचम राजयोग का जो लाभ है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के लिए ये जो राशि योग है ये लाभ देने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के प्रस्ताव आएंगे, धन लाभ हो सकता है,
नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। शुक्र ग्रह कुंडली के सेकंड हाउस में और शनि दसम भाव में है। सेकंड हाउस जो होता है ये धन और वाणी का स्थान होता है, और जो टेंथ हाउस होता है दशम भाव, ये पिता और राजदरबार स्थान होता है। इसलिए दोनों जगह पर वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी और आपका राजपक्ष भी मजबूत होगा, और शुक्र का जो परिवर्तन है वो आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। तीसरी भाग्यशाली राशि बुध की मिथुन राशि है, और बुध के साथ शुक्र की भी मित्रता है और शनि की भी मित्रता है, लिहाजा जो मिथुन राशि है इन दोनों ग्रहों की प्रिय राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो राजयोग है ये लगन और भाग्य स्थान पर बन रहा है। जब लगन पे बनता है तो व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती है, जब भाग्य स्थान पर बनता है तो भाग्य में वृद्धि होती है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। राजयोग आपके लिए बेहद मुफीद, बेहद अनुकूल, बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, विदेश यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, आपकी लाइफ मटेरियलिस्टिक रहेगी, यानी भौतिक सुख सुविधाएं आपको जीवन में बढ़ती जाएंगी, और शनि आपके भाग्य को बेहद मजबूत करेंगे, शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। चौथी राशि जिसे नवपंचम राजयोग का जबरदस्त फायदा होगा वह सूर्य की सिंह राशि है। हालांकि सूर्य की ना तो शनि के साथ मित्रता है ना शुक्र के साथ मित्रता है, लेकिन नवपंचम राजयोग के चलते इन दोनों ग्रहों की जो कृपा है वो सिंह राशि वालों पर बरसने वाली है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो नवपंचम राजयोग है ये कुंडली के सप्तम भाव और ग्यारहवें स्थान पर बन रहा है, ऐसे में इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो सप्तम भाव होता है ये हमारा मैरिड लाइफ हाउस होता है, ये पार्टनरशिप का भाव भी होता है, इसलिए आय में वृद्धि होगी, आय के नए सोर्स बनेंगे, जीवन साथी की तरक्की होगी, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा, बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा देखा जाएगा, संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है, और कार्यस्थल पर आपकी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका मतलब है कि प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनने जा रहे हैं। तो ये चार राशियां थी जो शुक्र और शनि के राजयोग से जिन्हें फायदा होने वाला है, राशियों का भाग्योदय होने वाला है। ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियों के लिए मेरे पेज पर और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए, पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।